उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में निघासन थाना क्षेत्र में एक ही पेड़ में एक साथ लटके मिले दो बहनों के शव। दो बहनों के एक साथ शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बालिकाओं को शव कब्जे में ले लिया। हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी पहेली। मौत का कारण जानने में जुटी पुलिस। सूत्रों की माने तो घटना को गंभीरता से लेते हुए आईजी पहुंच रही घटना स्थल पर। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को किया जाम। आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे बाइक सवारों पर किशोरियों को घर से अगवा कर हत्या कर पेड़ से लटकाने का लगा रहे आरोप। मैम क्या, एक मिनट मैम, क्या अभी कोई आरोपी गिरफ्तार हुआ है क्या? The guy Junaid, they were individually friends. ये friendship recent थी, उनको फुसलाया गया था, बहलाया गया था. There was nothing which had come to our notice which was आपत्तिजनक, कोई भी आपत्तिजनक बात ऐसी नहीं थी. लेकिन कल बहला फुसला के इन लोगों को खेत में ले जाया गया है और उनसे इच्छा के विरुद्ध उनसे वहाँ पे उन लोगों ने शारीरिक संबंध बनाए. मोटिव उसके बाद जी जी ने जो मैंने आपको नाम बताया वन ऑन वन सोहेल और जुनैद, इन लोगों की बात अभी तक हुई है, बाकी पीएम में आएगा. जो सभी सभी के कपड़ों को लेकर के और सभी के शारीरिक परीक्षण करवाए जा रहे हैं. डिटेल में जो भी आएगा, देखिए मैं आपको पहले ही बताया कि इट्स अ प्रायर इन्वेस्टिगेशन, ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है. प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा डिटेल्स डाइवर्ज कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है. जो हमने प्राथमिक पूछताछ में चीज़ें पता की हैं वो आपसे बताई हैं. इसमें इसमें चीज़ें नहीं, सभी लोग जो छः के छः लोग हैं सभी लोग हमारी हिरासत में हैं. इसमें एक लड़का जिसने इंट्रोडक्शन करवाया, जिसने मित्रता करवाई छोटू, उसके बाद ये तीनों लड़के, उसके बाद वो दो लड़के, टोटल मिला के छः लोग हैं. शारीरिक संबंध की बात इन दोनों ने स्वीकार, अभी तक इन दो लोगों ने स्वीकार की है. आगे कोई और बात निकल के आएगी तो हम लोग उस पर और भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे. वो इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है. आई कांट डाइवल्ज वेरी माइन्यूट डिटेल्स क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं. ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है. पीएम में अगर कोई बात अन्यथा आती तो वी विल लेट यू नो. पीएम अभी चल रहा है और पैनल से करवाया जा रहा है, उनके परिवार के प्रेजेंस में करवाया जा रहा है. कल ये अफवाह भी उड़ाई गई थी कि पीएम करवा दिया गया जबरदस्ती. परिवार के नॉलेज के बिना, परिवार के इच्छा के बिना हमने एक कदम नहीं चला है. परिवार को हमने हमेशा यही कहा है आपकी जो इच्छा होगी, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि हम लोग पीएम हाउस के अंदर रहना चाहते हैं. वो पीएम हाउस के अंदर रहेंगे और सारी जो डॉक्टर्स के पैनल है और वीडियोग्राफी है उसके तहत पीएम करवाया जा रहा है. देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर.